नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। T20 विश्व कप 2021 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सभी बड़ी टीमों के मुकाबले 23 अक्टूबर से शुरू होंगे। इस दौरान तमाम बड़ी टीमें अभ्यास मैच खेलने में व्यस्त हैं। T20 वर्ल्ड कप में अच्छी फील्डिंग करने वाली टीम के लिए बहुत शानदार मौके होंगे। T20 वर्ल्ड कप में एक एक रन का बेहद महत्व है और शानदार फील्डिंग और कैच लेकर खिलाड़ी पूरे मैच का पासा एक पल में पलट देते हैं। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए अभ्यास मैच के दौरान भी एक ऐसा ही फील्डिंग का नज़ारा देखने को मिला जिसने हर किसी को दंग रहित कर दिया। आपको बता दें, न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन कप्टेन ने अभ्यास मैच के दौरान एक ऐसा कैच पकड़ा जिनकी चारों ओर जमकर तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि ICC ने भी उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और मार्टिन कप्टेन के कैच की जमकर तारीफ की। मार्टिन कप्टेन दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक गिने जाते हैं। साल 2019 में वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया को उनके ही एक डायरेक्ट थ्रो से बहुत बड़ा झटका लगा था जब महेंद्र सिंह धोनी रनआउट होकर वापस पवेलियन लौट गए थे और टीम इंडिया सेमीफाइनल हार गई थी। इससे पहले भी मार्टिन कप्टेन कई मौकों पर अपनी शानदार फील्डिंग का लोहा मनवा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में शानदार कैच पकड़कर भले ही कप्टेन चर्चा में हों, लेकिन इससे डेविड वॉर्नर को काफ़ी नुकसान हुआ। खराब फॉर्म में चल रहे डेविड वॉर्नर के पास इस अभ्यास मैच में लय हासिल करने का मौका था, लेकिन वो मैच की पहली ही गेंद पर कैच आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। मार्टिन कप्टेन ने अपनी बाईं ओर फुल लेंथ डाइव लगाकर ये शानदार कैच लपका और जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। आपको बता दें, इस अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड की टीम को करारी हार का भी सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 159 रन बनाकर मैच जीत लिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।